हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 7 तारीख और मंगलवार, और आज अभी सुबह में मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल होली है और आज सम्मत है। हम लोग किधर सम्मत बोला जाता है, लेकिन बहुत जगह इसको होलिका दहन तो होता ही है, जैसे लोकल जो लैंग्वेज होता है, जैसे हम लोग इधर समद बोला जाता है, कहीं पे अगजा बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है। जो आज होलिका दहन है और कल होली है, तो आप लोग की तैयारी हो गई होली की? हो ही गई होगी, मेरी नहीं हुई है, मैं पीछे हूँ, क्योंकि कुछ वजह है। दो बच्चे हैं, श्रेया का एग्जाम भी मतलब शुरू होने वाला है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई हूँ। मतलब मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो मैं आज करूँगी पूरी तैयारी। इस वजह से मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या इससे तैयारी करती हूँ होली का, और मैं क्या सब बनाती हूँ। हाँ, आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किधर होली कैसी होती है और आप लोग क्या सब बनाते हो होली में। तो आज है सम्मत होली का दहन, तो आज ही मैं सारा तैयारी करूँगी, क्योंकि आज बच्चों का भी छुट्टी है और मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी है। तो इस वजह से मुझे जल्दी, जैसे कि मैं सुबह उठी हूँ और मैं सुबह से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम लगभग हो रहा है 7:15, तो अभी 7:15 बज रहा है, अभी उठे हैं बच्चे लोग, उठ ही गए हैं, इधर उधर कर रहे थे, तो मैं सोची अपना काम भी इसी साथ निपटाते चलूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले मैं चलूँगी किचन में, जो भी तैयारी करना होगा मैं करूँगी, बारी बारी सभी से शाम तक मैं करती रहूँगी। और मैं ये ब्लॉग जो मैं आज शूट कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आज ही अपलोड कर दूँ। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में, और सबसे पहले मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन बनाऊँगी। बहुत कुछ बनाना है, तो सबसे पहले मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी, उसके बाद जो भी बनाना होगा बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस आज के ब्लॉग में, और मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ जो मैं क्या करूँगी और कैसे करूँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये गुलाब जामुन का ये पैकेट है, और ये है स्वेच्छा इस पर लिखा हुआ है, और ये है RCM का गुलाब जामुन, और ये मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, मैं पहली बार लाई हूँ, देखती हूँ बना के कैसा बनता है। आज तक कभी मैं ये नहीं ली थी, और मैं इसका 2 पैकेट लाई हूँ, क्योंकि एक पैकेट थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इस वजह से 2 पैकेट लाई हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे बनाते हैं, और इसमें मैं चाशनी बनाऊंगी, ये रहा मेरा चीनी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो मैं 2 कटोरी चीनी डाली, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा इलायची डाल के उसको रख दी हूँ, और इधर मैं पाउडर को मतलब इसको मिला ले रही हूँ, और जब तक चाशनी होगा तब तक मेरा ये हो जाएगा। तो इसे हम तब छान के तब चाशनी में डालेंगे, तो इसे हम गोल गोल कर रहे हैं, और ये भी आ गए थे मदद करने के लिए, तो इनका भी छुट्टी है तो हो जाता है, कभी कभी छुट्टी रहता है तो ये भी कुछ मदद कर देते हैं। तो ये भी आ गए थे गोल गोल करने के लिए, इसे गोल गोल करके छान के और इसे हम चाशनी में डुबो देंगे। इसके बाद हम गुजिया की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से उसी कढ़ाई में एक कढ़ाई जो इसमें मैं गुलाब जामुन तली थी उसे मैं साइड में रखी हूँ, और दूसरा कढ़ाई में चढ़ाई हूँ, उसमें घी डाल के सूजी को भून रही हूँ। उसके बाद उसको हम गुजिया बनाने के लिए उसमें फिर उसी में हम खोआ भी जैसे कि गर्म करेंगे, क्योंकि मैं खोआ दुकान से लेके आए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश बनाने के लिए इसे हम गर्म करेंगे, ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और फ्रेश भी हो जाए। और यहाँ मैं चीनी पीस के डाली हूँ, मैं शुगर पाउडर नहीं था, तो मैं चीनी को पीस के उसे शुगर पाउडर बना करके उसी में डाली हूँ उसे सारे, और उसके बाद उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो भी मुझे पसंद था वो मैं डाल के उसे साइड में रखी हूँ, और इसे थोड़ा सा मैदा लेके उसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल के उसे मिक्स करके आटा का डो तैयार की हूँ। अब इसे फटाफट से बेलेंगे और इसको हम भरेंगे, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए आप लोग के साथ कोई फाइनली रेसिपी नहीं मतलब डाल रही हूँ, जो भी है दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और रेसिपी चाहिए आप लोग को तो कभी आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कभी भी रेसिपी बना के डाल सकती हूँ, इसमें कोई ख़ास नहीं है। तो यहाँ पर मैं
थोड़ा सा डिजाइन भी बना रही थी गुजिया में, तो आप लोग को दिखाई, शायद आप लोग को पता नहीं चला होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे ये इनको बोले हम तो थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए छानने के लिए, तो ये छान रहे हैं, तले जा रहे हैं, मैं तो फटाफट से बनाए जा रही हूँ, तो इसे जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे नमक पारे। तो यहाँ पे उसी में से थोड़ा सा जैसे कि आटा बच गया था मैदा, तो उसमें थोड़ा सा और मैदा मिक्स करके थोड़ा सा अजवाइन नमक और मंगरेल मिक्स करके उसे मैं फटाफट से बेल ली हूँ और रिफाइंड डाल के और उसे हम कट करेंगे। तो इसे हम दो शेप में कट किए हैं, एक तो काजू के शेप में कट किए हैं ढक्कन से, जैसे कि किसी चीज़ के ढक्कन से, दूसरा हम कट किए हैं कैंची से। तो इसे दो शेप में ये भी हो गया, जो देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दो तरह का उसमें रहेगा, रहेगा तो एक ही साथ लेकिन दो डिजाइन में रहेगा। इसमें दो शेप में कर दी हूँ। तो ये मेरा हो गया है नमक पारे। अब मैं बनाऊंगी दही बड़े के बारे। तो बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैं रात में ही दाल भिगो के रखी थी और इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था, ये देख लीजिए जीरा भी इसमें है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसे अब हम क्या करेंगे, पहले पीस लेंगे और उसके बाद इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सोचिए आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। तो कोई भी चीज़ का रेसिपी अच्छे से हम नहीं शेयर कर पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में है। तो चलिए तो इसे इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची और अदरक क्रश करके, दाल के जीरा तो मैं पहले ही डाल चुकी थी, डाल करके इसे हम थोड़ा सा पानी, जैसे लगा मुझे थोड़ा गाढ़ा है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट ली हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा भी डाली हूँ, क्योंकि वो है ना, जैसे कि उतना लेट भी हो रहा है तो उतना फेंटने का नहीं है मेरे पास टाइम, तो मैं फटाफट से कर रही हूँ। तो जब भी आपको फटाफट बनाना हो और तो आप थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाल लें, तो इसमें थोड़ा सा डाली हूँ। ये देखिए फ्लफी जैसे लग रहा है ना, तो अब इसे हम भरा को तेल में देख के छानेंगे। तो चलिए इसे छान लेते हैं पहले। गाइस, तो मेरा फाइनली जो भी तैयारी आज का था वो हो चुका है। और मैं सुबह से, जब से आप लोगों से मिली थी, सुबह से मैं किचन में कंटिन्यू लगी हुई हूँ और मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, नाश्ता बाहर से ही बच्चों लोग के लिए आया था, सबने नाश्ता कर लिया है। और अभी मैं खाना चढ़ाई हूँ, तो अभी मैं फटाफट से खिचड़ी चढ़ाई हूँ खाने में, तो जी खिचड़ी बना देती हूँ। इधर मेरा खिचड़ी चढ़ा हुआ है और अभी फाइनली आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि मेरा सारा बन चुका है। तो ये देख लीजिए गुलाब जामुन जो कि मैं सबसे पहले बनाई थी, ये रहा गुलाब जामुन, बहुत ही अच्छा दिखने से तो बहुत परफेक्ट लग रहा है, बना है, और खाने में कैसा होगा वो खा के बताएंगे, तो अभी नहीं बाद में। ये हो गया, उसके बाद ये मैं नमक पारे बनाई थी, ये तो ये भी बहुत ही अच्छा बना है, दिखने से लग रहा है, मैं टेस्ट नहीं की है, हाँ बच्चे लोग खाए हैं लेकिन ये लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा बना है, क्रिस्पी तो लग रहा है आप ये देखिए। तो ये भी बन चुका है। और उसके बाद ये गुजिया, ये देख लीजिए गुजिया, तो ये गुजिया भी बन चुका है। और ये रहा लास्ट दही बड़ा के लिए बड़ा, तो मैं बड़ा बना करके रखी हूँ अभी, इसे अभी पानी में डालना बाकी है, तभी ये मैं बाद में कर लूँगी, अभी नहीं करूँगी, मैं इमली के पानी में से डालूँगी। तो थोड़ा सा इमली और थोड़ा सा हींग और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसमें भी गो करके उसको रखूँगी। और ऐसे भी ये जैसे कि दही मैं तब डालूँगी जब मैं खाऊँगी, मैं एक ही बार दही डाल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो ना मतलब टेस्ट थोड़ा, जैसे कि थोड़ा देर आ जाता ना तो उसमें से जैसे पानी निकलने लगता है, अजीब टाइप का टेस्ट हो जाता है। जब भी मैं खाने के लिए प्लेट में लगाऊँगी तभी मैं पानी से निकाल के उस पर डालूँगी, उस पर दही डालूँगी, फिर जो भी डालना होगा चटनी वगैरह जो भी डालना होगा वो मैं डालूँगी। तो ये भी मेरा बन गया। तो फाइनली मेरा इतना चीज बना है और आज तो होलिका दहन है, तो अब
जो हम लोग के शाम में जो बनता है, शाम में भी कुछ बनता है पकौड़ा वगैरह जो भी बनता है वो हम अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। अगले ब्लॉग में ये ब्लॉग हो जाएगा लंबा, तो चलिए होली की तैयारी के साथ इस वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में होलिका दहन के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होलिका दहन।